आईपीएल 2023 के सभी मुकाबलों के बाद बदला आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। मुंबई इंडियंस की टीम को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हुई नाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का पांचवा महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, तो वहीं पर चौथा महामुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इतिहास रचा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की इन हारों के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम कौन से स्थान पर मौजूद है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन से फिलहाल टॉप 5 बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से सिक्सर है जो फिलहाल काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इसके बारे में भी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी यहाँ पर शानदार इन्हीं जीतों के साथ खुश है। तो दोस्तों, हम बात करें फिलहाल के मुकाबलों के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस टीमों का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक एक मुकाबला सभी टीमों के बीच हो चुका है और आईपीएल में सभी टीमें अपना एक एक मुकाबला खेल चुकी हैं। और इसके बाद यहाँ पर आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस के बारे में। तो दोस्तों, पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने अब तक एक मैच खेला और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 21 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट जड़े हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर मौजूद है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के राजवर्धन हैंगरकेकर, जिन्होंने 36 रन खर्च करने के बाद 3 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर मौजूद है अर्शदीप सिंह, पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह ने एक मैच में 19 रन खर्च करने के बाद 3 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं यहां पर फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम, यानी कि पिछली बार के पर्पल कैप के विजेता युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 17 रन खर्च करने के बाद 4 विकेट जड़े हैं। तो वहीं पर नंबर 1 पर चल रहे हैं फिलहाल यहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के गेंदबाज मार्क हुड, जिन्होंने यहाँ पर मात्र 14 रन खर्च करने के बाद ही 5 विकेट जड़ दिए हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर पर्पल कैप की रेस के बाद ऑरेंज कैप की रेस के बारे में। तो दोस्तों, ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है फाफ डुप्लेसिस, जो कि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बल्लेबाज है और इन्होंने यहाँ पर 73 रनों की शानदार पारी खेली है। तो वहीं पर नंबर 4 पर मौजूद है यहाँ पर काइली मेयर्स, जो कि यहाँ पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम की तरफ से, इन्होंने भी 73 रनों की शानदार पारी खेली है। तो वहीं पर नंबर 3 पर फिलहाल विराट कोहली मौजूद है, विराट कोहली ने 82 रनों की शानदार पारी खेली है। तो नंबर 2 पर चल रहे हैं यहाँ पर तिलक वर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 84 रन बना लिए। तो फिलहाल नंबर 1 पर मौजूद है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 92 रनों की शानदार पारी खेल ली है और फिलहाल ये अपने सर पर ऑरेंज कैप सजाए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर आईपीएल 2023 के पॉइंट टेबल के बारे में। तो फिलहाल पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर मौजूद है सनराइज हैदराबाद की टीम, जिन्होंने अब तक एक मैच खेला है और एक ही मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है और फिलहाल इस टीम की नेट रन रेट है -3.600 के साथ ये टीम नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 9 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम की नेट रन रेट -2.500 के साथ ये टीम नंबर 9 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 8 पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अब तक एक मैच खेला है और एक ही मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है और इस टीम की नेट रन रेट है -1.981 के साथ ये टीम नंबर 8 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 7 पर फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी अब तक एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला इस टीम ने गवा दिया है और इस टीम की नेट रन रेट है -0.514 के साथ फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है यहाँ पर नंबर 7 पर। तो वहीं पर नंबर 6 पर बनी हुई है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स की
की टीम ने भी अपना एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला टीम ने गवा दिया है और इस टीम की नेट 100 है फिलहाल -0.438 के साथ। ये टीम नंबर 6 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 5 पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को जीत कर 2 पॉइंट हासिल कर लिए और नेट 100 है +0.438 के साथ ये टीम नंबर 5 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 4 पर मौजूद है गुजरात टाइटेंस की टीम। गुजरात टाइटेंस की टीम ने एक मैच खेला है और 2 पॉइंटों के साथ फिलहाल ये टीम नेट 100 +0.514 बनाए हुए नंबर 4 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 3 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आरसीबी की टीम की नेट 100 है +1.981 के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 3 पर बनी हुई है और इस टीम के पास भी फिलहाल 2 पॉइंट है। तो वहीं पर नंबर 2 पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के पास भी फिलहाल 2 पॉइंट है और नेट 100 है +2.500 के साथ ये टीम नंबर 2 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 1 पर चल रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर काफ़ी शानदार नेट 100 के साथ नंबर 1 पर जगह बनाई है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के 2 पॉइंट है और नेट 100 है +3.600 के साथ ये टीम नंबर 1 पर मौजूद है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि कौन सा बल्लेबाज, गेंदबाज और साथ ही यहाँ पर कौन सी टीम नंबर 1 बनेगी, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।